तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मणिपुर गया पर पीएम मोदी नहीं, शायद मणिपुर उनके लिए भारत नहीं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने संसद में दिया फ्लाइंग किस, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लगाया आरोप, बीजेपी महिला सांसदों ने की स्पीकर से शिकायत। चांद की ओर करीब पहुंचा चंद्रयान 3, कक्षा बदलने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी, इंजन फेल होने पर भी करेगा सफल लैंडिंग, इसरो चीफ एस सोमनाथ ने दी बड़ी जानकारी। भाजपा को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देंगे, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर ली प्रतिज्ञा। महाराष्ट्र में गठबंधन बीजेपी ने नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे ने तोड़ा, एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी बोले कांग्रेस के स्वार्थ के कारण प्रधानमंत्री नहीं बन पाए प्रणब मुखर्जी शरद पवार। हरियाणा के नूह हिंसा का रोहिंग्या कनेक्शन, 2 आरोपी गिरफ्तार, 2000 लोगों के आधार कार्ड की होगी जांच, इंटरनेट पर प्रतिबंध 11 अगस्त तक बढ़ा। गूगल क्रोम को टक्कर देने के लिए भारत सरकार नए वेब ब्राउजर को करेगी लॉन्च, ब्राउजर का नाम होगा आत्मनिर्भर। संसद तक पहुंची टमाटर की महंगाई की गुंज, गले में टमाटर की माला डालकर राज्यसभा पहुंचे आप सांसद सुशील गुप्ता, सभापति जगदीप धनखड़ ने जताई आपत्ति। अमित शाह बोले नरेंद्र मोदी बिना छुट्टी रोज 17 घंटे काम करने वाले पहले पीएम, आजादी के बाद यह है पहली बार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान हुआ शुरू, 7500 कलशों में भरकर दिल्ली आएगी मिट्टी, कर्तव्य पथ पर बनेगी अमृत वाटिका। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिखा अनोखा अंदाज, सेल्फी लेने का वीडियो आया सामने। राहुल गांधी को बंगला वापस मिलने पर बीजेपी ने बताया पीएम मोदी का बड़ापन, तो कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा उनकी पितृक संपत्ति नहीं। हरियाणा के 3 जिलों में मुस्लिम व्यापारियों की एंट्री पर रोक, नूह हिंसा के बाद रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर की 50 पंचायतों ने एक साथ जारी किया फरमान। पहली बार टीम इंडिया की जर्सी पर लिखा होगा पाकिस्तान, इसका कारण यह है कि एशिया कप 2023 के मेजबान इस पर पाकिस्तान कर रहा है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर AIMIM चीफ ओवैसी का निशाना, कहा मोहब्बत की दुकान में हो रही नफरत की तस्करी। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस से सिर्फ भ्रम फैलाना, लोकसभा में बोले अमित शाह, पीएम मोदी और सरकार पर जनता को विश्वास। देश में कभी नहीं लौटेगी धारा 370, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली कश्मीरी पंडितों को धमकी देने वाला नहीं बचेगा। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर बोला हमला, कहा देश भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को भारत छोड़ने को कह रहा। बीजेपी के बड़े नेताओं के बेटे भी राजनीति में, जेडीयू ने कहा उन्हें परिवारवाद पर बोलने का हक नहीं। केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से हुआ पारित, लेफ्ट सरकार ने किया था पेश। भारत माता की हत्या की बात पर कांग्रेसियों ने बजाई ताली, इनका इतिहास खून से सना, राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने दिया जवाब। चंबल के पूर्व डकैत मलखान सिंह कांग्रेस में हुए शामिल, कहा मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में महिलाओं पर अत्याचार और अन्य आपराधिक मामले बढ़े। बिहार में लड़कियां भी बेच रही शराब, प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा नीतीश सरकार ने शराब का अवैध कारोबार करने वाले लोगों को पैदा किया है। त्रिपुरा के रास्ते देश के अन्य हिस्सों में जा रहे रोहिंग्या मुसलमान, सीएम माणिक शाह ने पुलिस अधिकारियों से कहा कैसे भी करके इस पर रोक लगाएं। बीजेपी राजस्थान में निकालेगी परिवर्तन यात्रा, रूट हुआ फाइनल, पीएम मोदी बड़ी रैली से करेंगे समापन। राजस्थान में 15 अगस्त से शुरू होने वाली अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना पर छाए संकट के बादल, प्रदेश में राशन डीलर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर। चावल दाल के बाद अब आम आदमी को आटे की महंगाई करेगी परेशान, 6 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचे गेहूं के दाम। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से मांगी 5 लोकसभा सीटें, आप विधायक बसपा भाजपा सांसद मनसुख के खिलाफ लड़ना चाहते हैं चुनाव। मणिपुर देश का अभिन्न अंग है, कभी खंडित नहीं हुआ और न ही होगा, राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया पलटवार। विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी ने की छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ, कहा हमारी नीतियां बना रही रास्ता। श्रीलंका की जमीन पर चलेगा चीन का कानून, समुद्र में नया शहर बसा रहा ड्रैगन, बिना इजाजत पुलिस की भी एंट्री नहीं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फिर हुआ भूस्खलन, सुरक्षा के लिए रोकी गई अमरनाथ यात्रा। उत्तर भारत में जमकर बरसेंगे बादल, IMD ने यूपी बिहार बंगाल सहित कई राज्यों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट।
दशकों तक रखा जाएगा याद। अरविंद केजरीवाल ने राहुल ममता समेत कई नेताओं को लिखी चिट्ठी, दिल्ली सेवा बिल पर समर्थन के लिए जताया आभार। हिंदुस्तान की सेना एक दिन में मणिपुर में ला सकती है शांति, अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बोले राहुल गांधी। मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स के खिलाफ दर्ज की FIR, राज्य बीजेपी ने पीएम मोदी से की फोर्स बदलने की अपील। हरियाणा मध्य प्रदेश के बाद अब यूपी के गाजियाबाद में भी मुस्लिम व्यापारियों के बहिष्कार के पोस्टर लगाए गए, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सम्मान देने पर भी की दगाबाजी, NDA की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे पर कसा तंज। यूपी में नीतीश कुमार कर सकते हैं 12 लोकसभा सीटों पर दावा, कम नहीं हो रही सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें। तमिलनाडु में बीजेपी कार्यालय से हटाई गई भारत माता की प्रतिमा, अन्नामलाई ने कहा 2 DM के मंत्रियों के डर का नतीजा। दिल्ली एम्स में नहीं होगी मरीजों को परेशानी, जल्दी नजदीकी मेट्रो स्टेशन तक चल सकती है फीडर बसें। भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी पर मुझे हिरासत में लिया गया, महात्मा गांधी के परपोते तुषार ने किया दावा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस, धीरेन्द्र शास्त्री के बाद अब पंडित प्रदीप मिश्रा से कथा करेंगे पूर्व CM कमलनाथ। जम्मू कश्मीर में ब्रेग्जिट जैसे जनमत संग्रह का सवाल ही नहीं, अनुच्छेद 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक। HDFC बैंक ने MCLR में किया 0.15% का इजाफा, ग्राहकों पर बढ़ेगा EMI का बोझ। भारतीय IT कंपनियों से आई खुशखबरी, जुलाई से दिसंबर 2023 के बीच 5 महीनों में 50,000 फ्रेशर को मिलेगी नौकरी। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से अब तक 6,717.15 करोड़ का हुआ नुकसान, बेघर परिवारों को घर बनाने के लिए मिलेंगे 1.50 लाख रुपए। बिहार में स्वतंत्रता दिवस को लेकर खुफिया विभाग का नक्सली और आतंकी हमले को लेकर अलर्ट, ड्रोन एयर बलून पर रोक। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को बताया आजाद भारत का सबसे भ्रष्ट CM, कहा पहले इसे मुख्यमंत्री जिनसे एजेंसियों ने पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया। मुंबई में गड्ढों से भरी सड़कों पर हाईकोर्ट हुआ नाराज, BMC आयुक्त और 5 अन्य नगर निगमों के प्रमुखों को किया तलब। यूपी के DP CM ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला का, बाढ़ और सूखे पर चर्चा से भाग रही है सपा। चलिए